झारखंड के शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने अगर यूं टन लिया है तो शायद इसके लिए उन्हें अपनी गलती और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत का एहसास हो गया है। दरअसल उनकी बदजुबानी का मामला इतना तूल पकड़ लेगा इसका अंदाजा शायद उन्हें पहले नहीं था। दरअसल बुधवार को हरमू में एक पार्क के शिलान्यास के दौरान शहर की साफ सफाई का काम देख रही कंपनी असर इंफ्रा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो तिलमिला गए। उन्होंने ना तो अपने पद का लिहाज किया और ना ही चौथे स्तंभ की गरिमा का। उनकी जुबान पर जो भी आया उसे उगल दिया। अरे चल जाओ ना, मोदी जी पीएस में रख लेंगे तेरे। नहीं जरूरत है ना सर, रख लेंगे तेरे को, जाओ। उतना दिन खराब नहीं आया कि मोदी जी के बगल में बैठ। उतना दिन खराब नहीं आता तो इसे झोला लटका के घूमते रहते। किसी में संतुष्टि है? अरे कोई संतुष्टि नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है बोलो, बोलो मजबूरी है, बस मजबूरी है बोलो, मजबूरी में घूम रहे हो, संतुष्टि है? झारखंड के शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह के इसी बयान को लेकर पत्रकारों में भारी नाराजगी है। रांची में प्रेस क्लब ने गुरुवार को आपात बैठक बुलाई। बैठक में उनकी शिकायत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से करने का फैसला हुआ। इसके साथ ही सीपी सिंह द्वारा जिम के लिए दिए गए रुपयों की वापसी का भी निर्णय प्रेस क्लब ने लिया है। बैठक में भी सभी लोगों की तरफ से, पूरी बैठक में हम लोगों ने इस घटना की निंदा की है और साथ ही मतलब इसके शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भी हम लोग इस बात का, इस घटना का लिखित रूप में दे करके इसका हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही उनसे आग्रह करेंगे कि इसको संज्ञान में लें। कम से कम किसी का मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा का थोड़ा सा ख्याल रख करके, चूँकि वो संवैधानिक पद पर हैं, हम लोगों को उम्मीद करते हैं कि वो आगे इस तरह का काम नहीं करेंगे। मंत्री जी की तिलमिलाहट पर पत्रकारों के साथ विपक्ष ने भी सवाल उठाया है। जनता के प्रतिनिधि यदि जनहित के सवालों पर यूं भड़कने लगे तो आखिर जवाब कौन देगा? सवाल के जवाब में मंत्री धमकी देने लगे तो आखिर इसे क्या समझा जाए? देश भर में स्वच्छता अभियान के साथ शायद राजनीतिक दलों में भी साफ सफाई की जरूरत है। रांची से रफी सामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपी।